मारो मारो मारो, ग्रेनेड ग्रेनेड ग्रेनेड। ओह शिट, ये पबजी वाला है क्या? ये पबजी, ये पबजी, पबजी वाला, पबजी वाला, पबजी पबजी पबजी, ये पबजी वाला है क्या? हेलो दोस्तों, हिटमैन फ्रैंक गेमिंग चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। मैं राजेश हूँ, गेम डिजाइनर हूँ। मैं हर वीक वीडियोस अपलोड करूंगा, गेम्स, गेम डिजाइन और गैजेट्स। अगर इस टाइप के वीडियोस में आप इंटरेस्टेड हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के ऊपर दबाओ ताकि आपको मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करेंगे दो चीज़ के बारे में। पहले हम बात करेंगे पबजी मोबाइल बैन के ऊपर। हाँ दोस्तों, आखिरी में पबजी मोबाइल भी बैन हो गया, उसके साथ साथ 118 मोबाइल ऐप्स भी बैन हो गया, इंक्लूडिंग पबजी। सबको ऑलरेडी पता है कि पबजी क्यों बैन हुआ, क्योंकि पबजी के साथ ये सारे ऐप जो भी इंडियन यूजर्स का डेटा वो बाहर बेच रहा है। इसके वजह से कुछ सेफ्टी और सिक्योरिटी का इश्यूज आ सकते हैं, इसीलिए ये सारे ऐप्स को बैन कर दिया। इंडियन आर्मी जो स्टैंड ऑफ चल रहा है बॉर्डर के पास, उसके ऊपर हम इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। आप परेशान मत हो, और मैं आपके लिए 5 बेस्ट अल्टरनेटिव गेम्स लाइक पबजी दिखाऊंगा अभी। इनमें से कोई गेम चाइना का नहीं है। जो टॉप 5 गेम मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसका नाम है मास्क गन। ये बनाया है एक इंडियन गेमिंग स्टूडियो में। इस गेम में पबजी की तरह बैटल रॉयल गेम मोड नहीं है, बट ये एक पीवीपी शूटर है। इस गेम को ज़रूर ट्राई करो ताकि इंडियन गेम्स को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। जो टॉप 4 गेम है उसका नाम है मॉडर्न कॉम्बैट वर्सेस। इस गेम ने गेम लॉफ्ट ने बनाया। इस गेम में भी बैटल रॉयल गेम मोड नहीं है, बट ये पीवीपी मल्टीप्लेयर शूटर है। अब ये अगला गेम का नाम है शैडो गन वॉर गेम्स। ये भी एक पीवीपी शूटर है, बट ये गेम ओवरवॉच गेम से इंस्पायर्ड है। इस गेम से भी आपको हाई क्वालिटी पीवीपी शूटिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी जो ये अगला गेम का नाम है फ्री फायर। ये गेम भी पबजी मोबाइल से इंस्पायर्ड है, और इस गेम का एडवांटेज ये है कि ये सिर्फ 700 MB के आसपास है। इस गेम का ग्राफिक्स पबजी की तरह इतना हाई एंड नहीं है, बट स्टिल आप इस गेम को एक बार ट्राई कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो पहले स्पॉट पे आता है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। इस गेम में बैटल रॉयल गेम मोड है, और ये एक्टिविजन ने हाई एंड ग्राफिक्स से बनाया है ये गेम। इसमें बहुत सारे गेम मोड्स हैं, इस गेम को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। मेरा तो पहली चॉइस इसी गेम का है। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन शूटिंग गेम्स है, बट उसमें से कुछ गेम को अभी पिक करके दिखा रहा हूं।
ओके गाइस, जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडियन गेमिंग डेवलपर्स इंडियन कल्चर और इंडियन फोकटेल्स के ऊपर गेम्स बनाना चाहिए। और इसके बारे में मैं 5 चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहली पॉइंट ये है कि जो भी गेम्स इंडियन कल्चर के ऊपर बनाएंगे उसके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर आ सकता है। रिसेंटली एक इंडियन गेम रिलीज़ किया है राजी करके, उसमें एक इंडियन लड़की इंडियन गॉड्स के हेल्प लेके डीमॉन्स को हराता है, बट लोग को ऐसा लग रहा है कि इस लड़की ने गॉड्स के अगेंस्ट फाइट कर रही है। रिसेंटली मैं एक ट्वीट पढ़ा इसी के ऊपर। सो सोसाइटी का प्रेशर अगर कम हो जाए इंडियन गेम डेवलपर्स को ज़्यादा फ्रीडम मिलता है कि अच्छा अच्छा गेम बनाने का। और दूसरा पॉइंट यह है कि इंडियन सोसाइटी स्पेशली पेरेंट्स उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स गेम्स चेंज करना पड़ेगा। वो लोग ऐसा सोचेंगे कि अगर गेम्स खेल रहे तो लड़का बिगड़ रहा है, बट उनको ये भी सोचना चाहिए कि गेमिंग में भी एक करियर बन सकता है, बच्चों को अच्छा मोटिवेशन और गाइडेंस भी दे सकता है। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडियंस गेम्स को खरीदना चाहिए, ना कि पायरेट। जो भी पायरेसी हो रहा है वो भी मेजरली इंडिया से हो रहा है और वो भी गेमिंग इंडस्ट्री से हो रहा है। अगर इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, सारे इंडियंस को इंडियन गेम्स को खरीदना चाहिए, ना कि पायरेट। और फोर्थ पॉइंट ये है कि इंडियन गेम डेवलपर्स को गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस जो भी इंडियन कल्चर और फोक टेल्स के ऊपर गेम बना रहे हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर एन ईयर, ताकि इंडियन गेम डेवलपर्स को थोड़ा मोटिवेशन और पुश मिल सकता है। और फिफ्थ पॉइंट यह है कि इंडियन गेम डेवलपर्स लूडो, तीन पत्ती और छोटा भीम के अलावा भी गेम्स बनाना चाहिए। वो लोग उनका कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए और अच्छा अच्छा गेम्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट्स फॉलो किए तो इंडिया गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे टॉप होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपको इस वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं इस तरह का वीडियो और बनाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी गेमिंग।